हाँ उल्लू टीवी से बोल रहे हैं। हेलो, हाँ उल्लू टीवी से बोल रहे हैं भैया। उल्लू टीवी से बोल रहे हैं, बोलिए। आपने कमेंट में लिखा था कि समझा दीजिए तो हम आपकी मदद करेंगे। एक सेकंड, जरा एक सेकंड। मैं समझता हूँ अनुकूल टाइम नहीं है, मैं अभी काम पर था। नहीं, मैंने ठीक ये नहीं कहा समझा दीजिए, देखिए, नहीं ऐसे नहीं। मैंने कहा है कि एक शब्द है, आपने कहा कि सत्ता परिवर्तन कर देती है जनता, ठीक है, व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन किस तरीके से, क्या प्लान है, कैसे जनता करेगी व्यवस्था परिवर्तन, कैसे होगा, तो वो प्रॉपर आप बताइए ना कि कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेगा। एक तो मेरा प्रश्न ये है, ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने कहा कि 1 रुपया प्रति व्यक्ति आप 1 लाख लोग दे दें, तो मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ कि आप 1 लाख लोगों से 1 लाख 1 रुपया मांग रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपके जेब में 1 लाख रुपया आ गया, आपका उल्लू सीधा हो गया, मैं तो ये मान के चलता हूँ। आप जो भी करें बस एक मेरी बात का जवाब दीजिए। जी आज के दौर में जी जी अगर भगवान भी आके किसी से कह दे कि हम भगवान है तो कोई मानेगा? भगवान भी कह दे, नहीं मान कोई क्यों, मानना तो चाहिए ही नहीं। मैं मानने के लिए ही तो तैयार नहीं हूँ। तब मेरी बात कैसे मान लेंगे आप? क्या गारंटी कि मैं जो कहूंगा आप मान लेंगे? सर मैं मानने के लिए तो, मैं शंकावादी हूँ पूर्ण रूप से। मैं मानने के लिए ही तो तैयार नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो मान लिया करते हैं। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दादरी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा कह सकते हैं। बस सर साल भर वेट करिए, आपको आप बुला के पैसा देंगे हमको। साल भर वेट करिए, आप बुला के देंगे तो हम। अगर आपने कोई ऐसी परिस्थिति बना दी तो पक्का देंगे सर, तन हाँ मन क्यों धन के नहीं, साथ अगर देंगे। अगर खुद तो विश्वास नहीं होता तो हम इतने ताव से क्यों बात करते? विश्वास है तभी ना मैं ताव से बात करता हूँ। देखिए सर, हमें तो तलाश है किसी ऐसे व्यक्ति की, हमें तो तलाश है कि हमें तलाश है किसी ऐसे आदमी की जो परिवर्तन ला सके, ठीक है ना। वो तलाश राजीव पर आकर खत्म हो जाएगी। वेट करिए 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, चलिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक बहुत ठीक अच्छी ठीक बात है, ठीक बहुत बहुत खुशी हुई। आपका नंबर सेव।